जानना चाहते हैं कि 2018 किसका साल रहा, तो हम आपको बताते हैं कि 2018 किसी और का नहीं, खेसारी लाल यादव का साल रहा। जी हाँ, खेसारी लाल यादव की बैक टू बैक कई फिल्में सुपरहिट रही और उन सुपरहिट फिल्मों में खेसारी लाल यादव के सबसे ऊपर अगर कोई फिल्म है तो संघर्ष है। जी हाँ, संघर्ष में खेसारी लाल यादव की जो एक्टिंग निखर कर आई है, अभी तक किसी भी डायरेक्टर ने इतनी बेहतरीन एक्टिंग नहीं निकलवाई है। बात अगर निरहुआ और पवन की जाए तो निरहुआ और पवन ने भी इस साल अच्छा काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस पर जो चाम खेसारी लाल यादव का रहा है वो पवन और निरहुआ का इस बार नहीं रहा। खेसारी लाल यादव लगातार मीडिया में बने रहने के लिए खबरें भी क्रिएट करवाते रहे, यहाँ तक कि सुधीर सिंह द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई, जिस खबर ने आते ही आग में घी का काम किया था। इससे खेसारी लाल यादव की पॉपुलरिटी दिनदूनी रात चौगनी बढ़ गई और सोने पे सुहागा ये हुआ कि खेसारी लाल यादव पर जानलेवा हमला हो गया। इस जानलेवा हमले में तो खेसारी लाल यादव बाल बाल बच गए, लेकिन इसका फायदा भी खेसारी लाल यादव को हुआ। खेसारी लाल यादव को अगर कुछ भी होता है या किसी भी चीज से आपत्ति है, वो तुरंत लाइव आकर अपने दर्शकों का सपोर्ट इस कदर पा लेते हैं, उस तरह पवन और निरहुआ नहीं करते। जी हाँ, पवन और निरहुआ को आप कभी कभार अपनी फिल्मों को लेकर लाइव आते देखते होंगे, लेकिन इस तरह से कंट्रोवर्सी में फंसने के बाद या फिर कोई बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के बाद अपना पक्ष रखते हुए आपने निरहुआ और पवन को कभी नहीं देखा होगा जिस तरह आपने खेसारी को देखा होगा। खेसारी के चलते बिहार बंद हो गया, खेसारी के चलते ये हो गया और खेसारी के चलते न जाने क्या क्या होगा, लेकिन खेसारी लाल यादव ने 2018 में जो अपनी छाप बनाई है, चाहे वो सही खबरों से बनाई हो या गलत खबरों से, लेकिन खेसारी लाल यादव हर रोज या यूं कह ले कि हर घंटे लोगों के जहन में थे। आज खेसारी लाल यादव की डिमांड पहले से कहीं ज्यादा बढ़ी है, लोग उन्हें सुनना चाहते हैं, लोग उनके डांस को देखना चाहते हैं, तो इसलिए कि खेसारी लाल यादव दिन रात मेहनत करते हैं अपनी इस कामयाबी को बनाए रखने के लिए, फिर वो चाहे कंट्रोवर्सी के जरिए हो या फिर अच्छे कामों को बड़बोले अंदाज में करने का। खेसारी लाल यादव को मीडिया का यूज करना या यूं कह ले कि पब्लिसिटी करना बहुत ही बेहतरीन ढंग से आता है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।